गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। बेसिकली जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि सीक्वेंस मतलब एक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अलग अलग होगा और यहाँ पर आप एन के अलग अलग वैल्यूज रख के हर बार जो आप जॉब का आंसर मिलेगा S1 S2 S3 का, तो ये एक्चुअली में ये आपका एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ज़रूरी नहीं कि एक जैसा हो, इट डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला। एंड सीरीज हम लोग जो देख चुके हैं टेंथ में एक सीरीज हम देख चुके हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये आपके AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि जी हमने टेंथ में फॉर्मूले पढ़ा था AN = A+N-1 × D, मतलब कि n टर्म निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर टोटल टर्म आप देख रहे हैं कि 5 है, तो 5 टर्म है, तो यहाँ पर A5 हमने यूज़ किया = 2+N-1, मतलब 5 में से 1 गया तो 4D है ना, तो 10 = 2+4D, तो 2 इधर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 10 = 2+4 × 2, 4 2 8, 2+8 = 10, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्रॉस चेक या फिर वेरीफाई इसको हम बोल सकते हैं, हो गया। और अभी हम लोग इस 11th क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है GP। तो GP में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कॉमन रेशो की हम बात कर रहे हैं, वैसे GP में यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, तो GP में कॉमन रेशो होता है। तो कॉमन रेशो क्या होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने से कॉमन रेशो आता है। जैसे कि यहाँ पर 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, तो यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो 3 है। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब सेंटर वाला नंबर। तो सेंटर वाला नंबर तब आपका आता है जब आप √AB ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो √AB मीन्स 3 and 27, तो 3 9 27 3 81 81 के फैक्टर के 9 × 9, तो 9 = 9, यहाँ पे GM मतलब सेंटर वाला नंबर, तो 9 = 9, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं और हर क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी यूज़ होती है जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें करते हैं, तो हमें उन सबको फेस करना होता है। थैंक यू।